हेलो फ्रेंड्स, तो आप हैं एम अचीवमेंट एकेडमी पर, और जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने एक आरटीआई फाइल किया है एसएससी को, जो कि है मेंस के रिजल्ट के बारे में, एसएससी जेई जो हुआ था 2018 वाला, उसके रिजल्ट के बारे में, जिसका कि मेंस हुआ था दिसंबर के मंथ में, उसके रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, उसका रिप्लाई आ गया है। साथ ही मैंने अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेविनेंस, जो कि एसएससी को देखता है, एसएससी उसके अंडर में आता है, उसको भी एक आरटीआई फाइल किया है 27 को, जिसमें यही मैंने सेम क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये जो रिप्लाई है वो बहुत ही बेकार आया है। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई है। ये आ गया था 26 लास्ट मंथ ही, 26 को, और तब इसमें नो इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए मैंने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन काफ़ी लोग अभी भी मुझसे कमेंट्स में और पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे थे, तो इसीलिए मैंने यह जो रिप्लाई है बनाया है, जिससे कि सबों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अभी तक एसएससी ने इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। और ये बहुत ही बेकार रिप्लाई है, क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट है जो कि उसी एग्ज़ाम को कराता है, और आपका CPIO जो है वो नो इन्फॉर्मेशन बोल रहा है। या तो आप कोई कॉज दें, या कोई डेट, या फिर कुछ भी दें, लेकिन बताएं तो सही। तो ये सबसे अब तक का मेरा सबसे बुरा रिप्लाई रहा है, अब तक जितने भी RTIs मैंने फ़ाइल किए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेविनेंस को एक RTI फाइल किया है, जिसमें मैंने यही क्वेश्चन उनसे भी पूछा है कि कब तक SSC मेंस का रिजल्ट आएगा, आखिर कब तक स्टूडेंट्स वेट करेंगे इसी चीज़ का कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि नेक्स्ट SSC भी होना है। साथ ही अगर अभी कोई एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं तो लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कि यही एग्ज़ाम का कम से कम रिज़ल्ट आ जाए, यही मेरी जॉब लग जाए। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बेकार रिप्लाई है अब तक का। साथ ही अब वेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रेविनेंस क्या रिप्लाई देती है RTI का, क्योंकि वो शायद कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगी, या फिर अपन वेट करेंगे और जो भी रिप्लाई आएगा मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, और जल्द से जल्द पहुँचाऊँगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल्स एंड इंस्टाग्राम चैनल, और साथ ही ऐसी ही अपडेट्स के साथ बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू, नमस्कार, सात श्री अकाल, आदाब।